नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, बिग बॉस मराठी सीजन 2 का कल का एपिसोड आपको कैसा लगा? कैसा लगा आपको टास्क कुर्सी सम्राट? तो इस टास्क में कल तो आपने देखा कि शिव के साथ क्या क्या हुआ, और आज पता चलेगा कि क्या शिव उठा कुर्सी से या शिव ने टास्क पूरा किया। ये सब चीजें आज पता चलेंगी, मगर उसके बीच में शिव का एक बहुत बड़ा पंगा हो गया एक दूसरी कंटेस्टेंट के साथ, जिसके साथ उनकी करंट दोस्ती अभी बनी ही थी। तो वो कौन है, किससे पंगा हुआ और क्या पंगा हुआ, इसी पे बात करते हैं। पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुर्सी सम्राट टास्क। जी हाँ दोस्तों, कुर्सी सम्राट एक ऐसा टास्क है जो टीम का मेंबर कुर्सी पे बैठता है और जो विरोधी टीम होती है उस मेंबर को उठाने के लिए, उस कंटेस्टेंट को उठाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाती है, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ बिग बॉस, यानी कि जो बिग बॉस ने शर्तें रखी होती है उन्हीं शर्तों के अनुसार उनको कुर्सी से उठाया जाता है। तो उन शर्तों में बहुत कुछ होता है जिसके लिए सख्त मनाही होती है, और इसके लिए संचालिका को वहां पे बिठाया जाता है ताकि टास्क जो है बहुत ही एक तरीके से चले। बट यहाँ पे संचालिका ऐसी बिठाई है जो सच में बैठी हुई है, यानी कि सुरेखा ताई, ऐसे टास्क में जिसमें उनको सर पे खड़ा होना चाहिए, वो कुर्सी पे बैठी है, बहुत ही आराम से मजा ले रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खैर, संचालिका की बात तो महेश मांजरेकर साहब हमेशा करते हैं कि बाइस्ड है जो भी है वो तो होगा ही, बट यहाँ पे जो टास्क हुआ जो आज आप देखोगे उसमें सबसे पहले किशोरी जी बैठेंगे, उनके साथ जो भी होगा वो आपको पता चल ही जाएगा, मगर उससे वर्ष जो हुआ वो हुआ पराग के साथ। पराग जब टास्क के लिए चेयर पे बैठते हैं, वो मुद्रा लेके बैठते हैं और वीना उनकी स्पोर्ट में है, और शिव जो है वो उस एरिया से बाहर खड़े हैं, वो देख सब कुछ रहे हैं और उसके लिए उनको फील भी हो रहा है। अब यहाँ पे जो हिना है वो आती है, हिना आके वो डंबल पराग के उस साइड में रखने की कोशिश करती है जिस साइड में उनकी किडनी नहीं है। आप लोगों ने अगर देखा होगा एपिसोड ध्यान से, तो पराग ने अपनी एक उसमें बोला था कि उन्होंने अपनी किडनी जो है अपने कजन को या भाई को दी हुई है, तो एक ही किडनी है उनकी, कहने का मतलब ये है। तो एक किडनी है, तो जिस जगह पे नहीं है वहां पे पेन भी हो सकता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये बात हिना को पता है और वो चीज करती है, वहां पे रखने की कोशिश करती है। यहाँ पे शिव जो है भड़क जाते हैं। इसी दौरान पराग कंप्लेन करते हैं संचालिका से कि मुझे पैरों से खींचा जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है, मगर संचालिका जो है वो कुछ नहीं करती है, बैठी है वहां पे, ये वो सब कुछ नहीं, मतलब बैठी एक बार ऐसे देख लेती है फिर पीछे हट जाती है। तो संचालिका तो अपना काम करती नहीं, पराग दोहाई देते रहते मगर कुछ नहीं होती। बट बात जो है पहुंचती है किसके पास, शिव के पास। शिव जो हमेशा उन्होंने प्रूव किया है कि जिस टीम के साथ वो खड़े होते हैं वो पूरी तरह खड़े होते हैं, टास्क को पूरी तरह खेलते हैं, चाहे उसमें उनकी टीम के साथ फ्रेंडशिप हो या ना हो, मगर टीम है तो शिव की पूरी ईमानदारी टीम के साथ है, और वैसा ही दिखाई देता है। यहाँ पे जब हिना ये करती है, डंबल रखने का काम करने की कोशिश करती है, यहाँ पे शिव हिना पे बुरी तरह भड़कते हैं, उसको धमकी भी देते हैं इन अदर वे की तेरी बारी आएगी तो हम भी तेरे साथ तेरे बाल काटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हिना भी पूरे अपने रोष में कि हाँ कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो उठ जाए ना कुर्सी से एक जगह से, उसकी भी बात सही है। बट यहाँ पे एक ह्यूमैनिटी का लेवल भी आता है कि आप प्ले कर रहे हो, तो ये जो चीज है, अगर सपोज मैं सोचती चलो हिना की बात मान उठ जाए कुर्सी से, अगर कुर्सी से उठने से पहले उसको कहीं आपके डंबल की वजह से कुछ हार्म हो गया तो क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको सोचना चाहिए हिना। तो हिना मगर ये सब नहीं सोचती, वो अपना लेवल क्रॉस ही करती जाती है और यहां तक बोल देती है पराग को कि अगर इतनी ही डॉक्टर वाली प्रॉब्लम है, इतनी ही प्रॉब्लम है तो बिग बॉस में करने के आए हो। तो ये तो हिना को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है ये सब बोलना, कि एकदम से एक वीक तो बड़ी हंसती खेलती है, दूसरे वीक एकदम ऐसे रंग दिखा रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, और सच में ऐसा पटाखा छोड़ा है बिग बॉस ने घर के अंदर कि सबकी छुट्टी छुड़ा सकता है, सबकी छुट्टी करा सकता है। तो ये जो महागठबंधन वाले जो लोग हैं, जितने भी हैं, वो अब इस लेवल पे खेल रहे हैं कि दूसरी जो टीम है उसको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो बिग बॉस का जो दिमाग चलता है इस पूरे के पूरे खेल के पीछे, ये पूरा हफ्ता उनका मेन जो मेरे हिसाब से टारगेट रहा है वो रहा है शिव। टारगेट भी नहीं कहूंगी, शिव जो है उनको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है इस बंदे में, ये दोनों तरफ खेल सकता है और ये बंदा है जो सही लग रहा है अभी तक बिग बॉस को, जो मुझे लगता है। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट में, कि जैसे आपने देखा कि शुरू में जब ये शुरू हुआ नॉमिनेशन वाला, पहले तो शिव कैप्टन बने, उसके बाद शिव जो है उनको एज कैप्टन उनको एक ऐसी
अधिकार दिया गया कि आपको डिसीजन लेना, नॉमिनेशन का अल्टीमेट डिसीजन आपका होगा। तो शिव ने बहुत ही उससे ऐसा डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से उसकी जो केवीआरपी टीम पूरी की पूरी नॉमिनेट हुई और पूरी टीम उसके खिलाफ हो गई। और पूरी टीम उसके खिलाफ होने के बाद बिग बॉस ने क्या किया, शिव को उसी टीम का हिस्सा बना दिया ताकि वो टीम के साथ फिर से मिल सके। जो टीम उसके खिलाफ है वो टीम उसके साथ फिर से मिले ताकि शिव जो है वो दोनों तरफ से शाइन करे। और वैसा ही दोस्तों हो रहा है। मैं शिव के लिए बहुत खुश हूं, मगर आज देखना ये होगा कि जनता के सामने शिव की क्या इमेज रहती है, शिव सही है या हिना सही है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के कमेंट से। आप लोग देखिएगा कमेंट, चाहे कल कीजिएगा, पूरा 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 का पूरा सीन देखिए आज के एपिसोड में, या प्रोमो देखिए जो चल रहा है चैनल पे, वो सब देख के फिर आप बताइएगा कि सही कौन लग रहा है। मेरा ख्याल तो यह है कि पूरा का पूरा एपिसोड देखिएगा फिर कमेंट कीजिएगा। अभी तक मुझे तो हिना गलत लग रही है और शिव बहुत सही लग रहा है। शिव ने काफी अच्छे से इस चीज को हैंडल किया, ह्यूमैनिटी दिखाई है, सब कुछ दिखाया है, तो ये चीज मेरे हिसाब से शिव सही लग रहा है। आप अपना कमेंट अपने हिसाब से कीजिए, अपने सोच विचार से कीजिए और देखते रहे हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.